हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई एजुकेशन। वाईफाई एजुकेशन की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीएसपीसीएल एलईसी जेई 2019 के लिए मॉक सेप्टेम्बर 7.1, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 20 क्वेश्चंस जीके के, जनरल नॉलेज के। इससे पहले भी हमने पीएसपीसीएल एग्ज़ाम के लिए काफ़ी सारे मॉक टेस्ट सॉल्व किए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप वो भी देख सकते हैं। पीएसपीसीएल एग्ज़ाम के लिए अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट की गई है, आप पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ये सीरीज़ बिल्कुल आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड होती है। इस सीरीज़ में वही क्वेश्चन इंक्लूड किया जाता है जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सो वीडियो को पूरे ध्यान से स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिए। इस सीरीज़ में आपको ईच क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का समय मिलता है। इन 5 सेकंड में पहले आपने क्वेश्चन खुद अटैम्प्ट करना होता है, उसके बाद जो उसका राइट आंसर होता है वो मैं बताता हूँ। ऐसा करने से आपकी एफिशिएंसी काफ़ी इंप्रूव होगी। इस सीरीज़ का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, इसका कारण है पीएसपीसीएल एग्ज़ाम 2018 का जो एग्ज़ाम हुआ था एलईसी और जेई का, उस एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा था। उसी अकॉर्डिंग ये टेस्ट सीरीज़ बनाई गई है ताकि आपको कोई भी कठिनाई का सामना न करना पड़े 2019 के एग्ज़ाम में। अब आपका काम है इस लाइव सेशन को सभी ग्रुप्स में सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस लाइव सेशन को ज्वाइन कर सकें। क्योंकि आप सभी जानते ही हैं जीके का जो लाइव सेशन होता है वो शाम को, रात को 9 बजे होता है। रात को आप इसे लाइव भी देख सकते हैं, रात 9 PM को। मैं ये मान के चलता हूँ जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ लाइव हो चुके हैं सभी ने इस वीडियो को एक एक ग्रुप में शेयर कर दिया है। अब ज़्यादा विलंब ना करते हुए हम इस वीडियो सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं जो एक क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर बता देता हूँ, क्या आंसर आएगा। इसमें मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल बिलोंग्स टू द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। इसमें मैंने पूछा था कौन सा आर्टिकल है जो बिलोंग करता है, रिलेटेड है फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया से। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया से जो आर्टिकल बिलोंग करता है वो करता है आर्टिकल 280, इसलिए हमारा राइट आंसर था ए ऑप्शन, आर्टिकल 280 बिलोंग करता है फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया से। लगभग 100% स्टूडेंट ने इसका सही आंसर बताया है, सभी ने आर्टिकल 280 ही बताया है, किसी ने भी इसका आंसर गलत नहीं बताया है। इसलिए याद रखना है आर्टिकल 280 रिलेटेड है फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया से। रिसेंटली हरियाणा एसएससी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक तो पूछा गया था आर्टिकल 280 से, एक क्वेश्चन पूछा था आर्टिकल 324 से। ये दोनों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 324 वाला बिलोंग करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से और आर्टिकल 280 है फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया से। बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं इसलिए आपको याद रखना है। उस पेपर में कन्फ्यूज़ करने के लिए आर्टिकल 380 भी गिवन था, यानी कि एक ऑप्शन गिवन था आर्टिकल 380, इसलिए हमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। जो आर्टिकल फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है वो आर्टिकल 280 है और जो इलेक्शन कमीशन से है वो आर्टिकल है 324। दोनों याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का मॉक टेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द ऋग्वेदा द बैटल ऑफ 10 किंग्स वाज ड्यू टू। ऋग्वेदा के अकॉर्डिंग जो बैटल हुई थी 10 किंग्स के बीच, 10 राजाओं के बीच जो बैटल हुई थी, इस बैटल का क्या कारण था। आपके ऑप्शन है कैटलैंड लैंड डिस्प्यूट्स, और सेकंड है टेंशन अरोज बिटवीन किंग्स, थर्ड है टू शो देयर ऑन पावर, फोर्थ है टू प्रूव देमसेल्व्स सुप्रीम। जल्दी से अटैम्प्ट कीजिए, आपका समय स्टार्ट है अब। इनमें से कौन सा हमारा राइट आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदा बैटल ऑफ 10 किंग्स हुई थी कैटलैंड लैंड डिस्प्यूट के कारण, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ए ऑप्शन, कैटल एंड लैंड डिस्प्यूट्स इसका राइट आंसर रहेगा ए ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए बैटल ऑफ 10 किंग्स हुई थी कैटल एंड लैंड डिस्प्यूट के कारण। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपने 2018 का एग्ज़ाम देखा होगा, उसमें एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा था, यानी कि ऋग्वेदा यजुर्वेदा सामवेदा से क्वेश्चन पूछे गए थे। इसलिए हर एक वीडियो में मैं एक दो क्वेश्चन वेदा से जरूर इंक्लूड करता हूँ क्योंकि वेदा बहुत इंपॉर्टेंट है। वेदा एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से आप एक दो क्वेश्चन अपने एग्ज़ाम में जरूर देखोगे। आई होप आपने ये क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किया होगा, अगर नहीं भी किया तो कोई बात नहीं। ये सिविल सर्विस लेवल का क्वेश्चन है इसलिए आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब आप याद रखिए बैटल ऑफ 10 किंग्स हुई थी कैटल एंड लैंड डिस्प्यूट के कारण, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखिए विच टैक्सेशन सिस्टम इज यूज्ड इन वैदिक सोसाइटी। कौन सा टैक्सेशन सिस्टम था जो यूज होता था वैदिक सोसाइटी में। आपके ऑप्शन है बाली, खजना, टॉल और धार। इनमें से हमारा कौन सा राइट आंसर होगा। आपका समय स्टार्ट है अब, जल्दी से अटैम्प्ट कीजिए। वैदिक सोसाइटी में जो हमारा टैक्सेशन सिस्टम था वो था बाली।
बाली टैक्सेशन सिस्टम लगता था, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ए ऑप्शन, बाली टैक्सेशन सिस्टम। ये भी सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किसी ना किसी एग्जाम में आप जरूर देखोगे, हो सकता है PSPCL में भी आप इसको जरूर देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए ही मैं बार बार कहता हूँ इस लाइव सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसका लाभ उठा सकें। आई होप आपने ये क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ धोलावीरा साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। कम से कम एक क्वेश्चन आप इंडस वैली सिविलाइजेशन से जरूर देखोगे PSPCL एग्जाम में। इसमें इन्होंने पूछा है कि कौन सी मोस्ट यूनिक फीचर है जो धोलावीरा में पाई गई थी, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक साइट है। आपके ऑप्शन है, इट्स सिटीज़ वर हॉरिजॉन्टली डिवाइडेड इन मल्टीपल पार्ट्स, इट्स सिटीज वर डिवाइडेड इन टू थ्री पार्ट्स, इट्स सिटीज वर अनइवनली डिवाइडेड, इट्स सिटीज वर वर्टिकली डिवाइडेड इन मल्टीपल पार्ट्स। ये हैं आपके चार ऑप्शन, इनमें से कौन सी फीचर बिल्कुल सही है आपकी धोलावीरा साइट की, जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक साइट है धोलावीरा। इनमें से आपका कौन सा सही आंसर होगा, आपका समय स्टार्ट है अब। धोलावीरा की जो मोस्ट कॉमनली यूनिक फीचर है वो है बी ऑप्शन, इट्स सिटीज़ वर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा बी ऑप्शन, इट्स सिटीज़ वर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। यो जो तीन पार्ट हैं ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताने हैं, ये कौन कौन से तीन पार्ट हैं। आई होप आप सभी इस क्वेश्चन को जरूर अटैम्प्ट करोगे कमेंट बॉक्स में, तीनों पार्ट के नाम बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेज हैव गिवन द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। कौन सा ऐसा प्लेस है जहाँ से हमें अर्लीस्ट एविडेंस मिला था, यानी कि पुराना एविडेंस मिला था कि एग्रीकल्चर होती थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। आपके ऑप्शन है प्रतापगढ़, कैटा, मेहरगढ़ और कलट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जल्दी से अटैम्प्ट कीजिए, आपका समय स्टार्ट है अब। कहाँ से मिले थे हमें एग्रीकल्चर के एविडेंस। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो हमें एग्रीकल्चर के एविडेंस मिले थे वो मिले थे मेहरगढ़ से, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा सी ऑप्शन, मेहरगढ़। यहाँ से मिले थे हमें एग्रीकल्चर के एविडेंस कि पुराने समय में एग्रीकल्चर होती थी, यानी कि खेती होती थी, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा सी ऑप्शन, मेहरगढ़ इज द करेक्ट आंसर फोर्थ क्वेश्चन का। आई होप आप सभी ने ये क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, द रेजोल्यूशंस ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी वर पास्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। एक रेजोल्यूशन पास हुआ था ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी पर, ये कौन सा जो सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का जिसमें ये पास किया गया था। और आपके ऑप्शन है बेल्जियम 1934, लाहौर सेशन 1934, थर्ड है कराची सेशन 1931 और लास्ट है फैजपुर 1936। आपका समय स्टार्ट है अब, जल्दी से अटेम्प्ट कीजिए, इसका क्या आंसर आएगा। ये INC का सेशन है कराची सेशन 1931, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा सी ऑप्शन, कराची सेशन 1931। इसमें पास किया गया था फंडामेंटल राइट्स एंड नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी को पास किया गया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये सेशन था। ये भी पूछा जा सकता है ये कराची सेशन कब हुआ था, ये आपने याद रखना है 1931 में हुआ था। इसमें पास किया गया था फंडामेंटल राइट्स एंड नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी पर बात की गई थी और एक रेजोल्यूशन पास किया गया था, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा सी ऑप्शन, कराची सेशन 1931। यहाँ से आपने एक क्वेश्चन और बताना है मुझे, फंडामेंटल राइट्स के जो आर्टिकल हैं वो कौन कौन से हैं, ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताने हैं, कहाँ से लेकर कहाँ तक रिलेटेड हैं फंडामेंटल राइट्स के जो आर्टिकल हैं, ये आपने कमेंट बॉक्स में बताने हैं। नेक्स्ट है सिक्स नंबर क्वेश्चन, इन विच केस द भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु सेंटेंस्ड टू बी हैंग्ड। आप सभी को पता ही होगा भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों को फांसी दी गई थी, यानी कि फांसी पर लटकाया गया था। ये इन्हें किस केस में लटकाया गया था फांसी पर, आपके जो ऑप्शन है वो हैं लाहौर कंस्पायरेंसी केस, दिल्ली कंस्पायरेंसी केस, कराची केस और ककोरी इंसिडेंस केस। आपका समय स्टार्ट है अब, जल्दी से अटैम्प्ट कीजिए, सभी का आंसर आना चाहिए, ये तो पंजाब का क्वेश्चन है।
ये केस था लाहौर कंस्पायरेसी केस, इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ए ऑप्शन, लाहौर कंस्पायरेसी केस था जिसमें भगत सिंह, सुखदेव सिंह और राजगुरु को फांसी पर लटकाया गया था, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ए ऑप्शन, लाहौर कंस्पायरेसी केस। आई होप जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ लाइव हैं सभी ने इस क्वेश्चन को सही अटैम्प्ट किया होगा, क्योंकि एटलीस्ट एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आप पंजाब जीके से जरूर देखोगे। लास्ट ईयर में भी पूछे गए थे, दो क्वेश्चन आए थे, आई थिंक दो क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो पंजाब जीके से। वो जो क्वेश्चन आएंगे पंजाब जीके से वो बहुत लेवल के होंगे, बहुत ईजी नहीं होंगे, वो बहुत ज़्यादा लेवल के होंगे, इसलिए मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेवल के ही क्वेश्चन इस वीडियो में प्रोवाइड करता हूँ। आई होप आप सभी ने ये क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेवन्थ नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। दिए गए चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जो सबसे पुराना है, ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया का। आपके ऑप्शन है हेले नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क। आपका समय स्टार्ट है अब, जल्दी से अटैम्प्ट कीजिए, क्या आंसर आएगा हमारा। सबसे ओल्डेस्ट जो नेशनल पार्क है इंडिया का वो है हेले नेशनल पार्क, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ए ऑप्शन, हेले नेशनल पार्क इज़ द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। कई बार हेले नेशनल पार्क ना ऑप्शन में देके आपको ऑप्शन में दे देंगे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसी का अदर नेम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसलिए आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, दोनों का नाम सेम है, यानी कि हेले नेशनल पार्क को ही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी कहा जाता है, यानी कि एक नेशनल पार्क के दो नाम हैं। पहले बोला जाता था हेले नेशनल पार्क, अब बोला जाता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसलिए आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। कई बार ऑप्शन में जिम कॉर्बेट दे देते हैं, कई बार दे देते हैं हेले नेशनल पार्क, इसलिए आपने याद रखना है ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया का हेले नेशनल पार्क या फिर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, जो PPSC का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए आपको ये बिल्कुल याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए हेले नेशनल पार्क ये कहाँ पर है, उसका आंसर होगा उत्तराखंड, यानी कि UK में है, उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या फिर हेले नेशनल पार्क। यहीं से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, अगर आपसे पूछा जाए कि लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है इंडिया का, वो है हेमिस नेशनल पार्क। ये है लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, सबसे बड़ा नेशनल पार्क है इंडिया का हेमिस नेशनल पार्क। कहाँ पर है ये, है जम्मू एंड कश्मीर में है हेमिस नेशनल पार्क, ये भी आपने याद रखना है, जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है हेमिस नेशनल पार्क। दोनों क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। आई होप आपने ये क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किया होगा। नेक्स्ट देखिए, एट्थ नंबर क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कौन सी वुमेन है जो फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर बनी है इंडिया की। आपके जो ऑप्शन है वो हैं इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू, निर्मला सीतारमन और एनी बेसेंट। जल्दी से अटैम्प्ट कीजिए, आपका समय स्टार्ट है अब। जो फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर बनी थी इंडिया की वो थी इंदिरा गांधी, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ए ऑप्शन, इंदिरा गांधी इज़ द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उसके बाद जो सेकंड बनी है वो अब बनी है रिसेंटली जो इलेक्शन हुए थे उसमें बनी है निर्मला सीतारमन। अगर पूछा जाए प्रेजेंट में कौन सी हैं फाइनेंस मिनिस्टर, वो भी वुमेन हैं, वो हैं निर्मला सीतारमन। ये भी याद रखिए, फर्स्ट हैं इंदिरा गांधी, ये थी फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फाइनेंस मिनिस्टर के साथ साथ ये उस टाइम प्राइम मिनिस्टर भी थी, यानी कि इनके पास एक्स्ट्रा कार्यकाल था फाइनेंस मिनिस्ट्री का, यानी कि एक्स्ट्रा मिनिस्ट्री ली थी इन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री की प्राइम मिनिस्ट्री के साथ साथ। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, याद रखिए। फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उसके बाद जो प्रेजेंट में है वो है निर्मला सीतारमन। दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखिए। रिसेंटली एक UPPCS का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, UPPCS उत्तर प्रदेश का PCS का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि जो फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थी कौन सी थी वुमेन जिन्होंने फर्स्ट बजट पेश किया था, यानी कि उन्होंने घुमा के क्वेश्चन पूछा था, उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कौन सी फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने फर्स्ट लोकसभा में बजट पेश किया था, फाइनेंस का बजट जो होता है, वो भी थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने फर्स्ट टाइम बजट पेश किया था, फर्स्ट वुमेन बनी थी जिन्होंने फर्स्ट फाइनेंस का बजट पेश किया था, ये भी आपने याद रखना है। ये PCS का क्वेश्चन है, UPPCS का, उत्तर प्रदेश PCS का एग्ज़ाम है, उसमें आया था ये क्वेश्चन। इसलिए मेरा मोटिव होता है PCS के लेवल के एग्ज़ाम के क्वेश्चन करवाऊँ या फिर CDS लेवल के या फिर IAS लेवल के क्वेश्चन करवाऊँ,
क्योंकि ज़्यादातर एग्जामिनर होता है इनमें से ही क्वेश्चन उठा के डालता है, इसलिए मेरा मोटिव होता है आपको इस लेवल के ही क्वेश्चन करवाए जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9th नंबर क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन हु रिसीव नोबल प्राइज इन 1979। कौन सी इंडियन वुमेन है जो फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी थी जिन्होंने फर्स्ट रिसीव किया था नोबल प्राइज़ 1979 में? आपके ऑप्शन है मदर टेरेसा, मलाला यूसुफजई, डेनिस मुकवेगे और नादिया मुराद। आपका समय स्टार्ट है अब, जल्दी से अटेम्प्ट कीजिए, इसका क्या आंसर आएगा? फर्स्ट इंडियन वुमेन जो बनी थी जिसने नोबेल प्राइज रिसीव किया था 1979 में, वो थी मदर टेरेसा। इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ए ऑप्शन, मदर टेरेसा को मिला था फर्स्ट नोबेल प्राइज 1979 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछा जाए किसके लिए मिला था मदर टेरेसा को ये अवार्ड मिला था नोबेल प्राइज का, इसको मिला था पीस के लिए, शांति के लिए मिला था मदर टेरेसा को। फर्स्ट टाइम इंडियन वुमेन बनी थी जिसको नोबेल प्राइज मिला था 1979 में, 1979 में। अगर पूछा जाए फर्स्ट इंडियन कौन थे जिनको मिला था नोबेल प्राइज, उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था फर्स्ट जो नोबेल प्राइज था इंडिया का। कब मिला था इनको? मिला था 1913 में मिला था इनको। फर्स्ट इंडियन बने थे जिन्हें मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को जो नोबेल प्राइज था 1913 में। किसके लिए मिला था, क्या प्रदर्शनी थी इनको इनकी मिली थी? इनको मिला था लिटरेचर में, यानी कि इनको प्राइज़ मिला था नोबेल प्राइज़ लिटरेचर कैटेगरी में मिला था इनको नोबेल प्राइज़ रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एफ कैट का जो डिफेंस का एग्ज़ाम होता है उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था, जो फर्स्ट इंडियन थे कौन थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था 1913 में, उसका आंसर था रविंद्रनाथ टैगोर। ये आपने याद रखना है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 10th नंबर क्वेश्चन, नेशनल एटमोस्फेरिकल रिसर्च लेबॉरेटरी लोकेटेड एट। एक लेबॉरेटरी है जिसका नाम है नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबॉरेटरी, ये कहाँ पर लोकेटेड है, यानी कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है? आपके ऑप्शन है न्यू दिल्ली, श्रीहरिकोटा, उसके बाद तिरुपति, उसके बाद लास्ट है बेंगलुरु। आपका समय स्टार्ट है अब, क्या आंसर आएगा आपका? नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबॉरेटरी लोकेटेड है तिरुपति आंध्र प्रदेश में। तिरुपति आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है इसका हेडक्वार्टर नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबॉरेटरी का, ये है आंध्र प्रदेश में। ये भी आपने याद रखना है, कौन सी स्टेट है, ये है स्टेट आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है तिरुपति। तिरुपति में लोकेटेड है नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबॉरेटरी, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। इसका हेडक्वार्टर जो लोकेटेड है आंध्र प्रदेश में, एक प्लेस है तिरुपति, तिरुपति में लोकेटेड है NARL का हेडक्वार्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11th नंबर क्वेश्चन, हु हैज़ रिसीव्ड द फर्स्ट पद्म विभूषण अवार्ड इन 1954। 1954 में किसने रिसीव किया था फर्स्ट पद्म विभूषण अवार्ड, 1954 में रिसीव किया था? आपके ऑप्शन है सत्येंद्र नाथ सिन्हा, MS तीजाबाई, बलवंत पुरंदरे और अनिल कुमार। आपका समय स्टार्ट है अब, जल्दी से अटैम्प्ट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट जो पद्म विभूषण का अवार्ड मिला था 1954 में, वो मिला था सत्येंद्र नाथ सिन्हा को। इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ए ऑप्शन, सत्येंद्र नाथ सिन्हा को मिला था फर्स्ट पद्म विभूषण अवार्ड 1954 में। ये भी याद रखिए कब मिला था, 1954 में मिला था, 1954 में मिला था। अगर पूछा जाए किस कैटेगरी में मिला था, इनको मिला था लिटरेचर एंड एजुकेशन कैटेगरी में, फॉर लिटरेचर एंड एजुकेशन कैटेगरी में मिला था सत्येंद्र नाथ सिन्हा को पद्म विभूषण 1954 में। अगर पूछा जाए ये जो सत्येंद्र नाथ सिन्हा है कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं वेस्ट बंगाल से, वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं सत्येंद्र नाथ सिन्हा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है सत्येंद्र नाथ सिन्हा को फर्स्ट पद्म विभूषण मिला था 1954 में, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं? उसका आंसर होगा वेस्ट बंगाल। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है सत्येंद्र नाथ सिन्हा को फर्स्ट पद्म विभूषण मिला था 1954 में, किस कैटेगरी में मिला था? वो मिला था लिटरेचर एंड एजुकेशन में। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। आई होप आपने ये क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12th नंबर क्वेश्चन, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट एस्टैब्लिश्ड इन। पंजाब और हरियाणा का जो हाई कोर्ट है कब एस्टैब्लिश हुआ था? ये हरियाणा SSC का एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया था ये क्वेश्चन, बताइए। आपके ऑप्शन है 13 मार्च 1919, 21 मार्च 1919, 31 मार्च 1919 और डी ऑप्शन है 11 मार्च 1919। आपका समय स्टार्ट है अब, कल मैंने आपको बताया भी था, आई थिंक कल या परसों
जब भी वीडियो आई थी उसमें मैंने आपको बताया था कब एस्टैब्लिश हुआ था। जल्दी से अटैम्प्ट कीजिए, आपका सेमेस्टर तो हो चुका है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट बना था 21 मार्च 1919 को, इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा बी ऑप्शन। 21 मार्च 1919 को बना था पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। वैसे तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको करवाया था सारा का सारा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, बट एक बार मैं आपको रिवीजन करवा देता हूं, क्योंकि कम से कम मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन इनमें से आ सकता है, या तो हाई कोर्ट से या फिर सुप्रीम कोर्ट से, दोनों में से एक क्वेश्चन आ सकता है। इस वीडियो में हम जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है वो डिस्कस कर लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट देख लेंगे क्या क्वेश्चन बनेंगे सुप्रीम कोर्ट से। सबसे पहले तो मैंने आपको बता ही दिया एस्टैब्लिश कब हुआ था पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। 21 मार्च 1919 को बना था पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। कहाँ पर बना था, जब बना था 1919 में कहाँ पर बना था, ये बना था लाहौर में, इसलिए इसे कहा जाता है लाहौर हाई कोर्ट। चाहे कहा जाए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट कब बना था, चाहे पूछा जाए लाहौर हाई कोर्ट कब बना था, आंसर एक ही होगा 21 मार्च 1919, क्योंकि उस टाइम पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट नाम नहीं था, उस टाइम था नाम लाहौर हाई कोर्ट, क्योंकि लाहौर में बना था। और इसके बाद पूछा जाएगा जो बिल्डिंग है लाहौर की, इसके कर्ब्यूज़र कौन है, सॉरी इसके आर्किटेक्चर कौन है, इसके जो आर्किटेक्चर हैं वो है ली कर्ब्यूज़र। ली कर्ब्यूज़र हैं इसके आर्किटेक्चर, यानी कि इसका जो बुनियादी ढांचा था सेट किया था पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का, ली कर्ब्यूज़र ने किया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हरियाणा एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया था, इसलिए ही इस वीडियो में इंक्लूड किया है। नेक्स्ट है फर्स्ट चीफ जस्टिस, जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के फर्स्ट चीफ जस्टिस बने थे उनका नाम है जस्टिस रामलाल सिंह। जस्टिस रामलाल सिंह बने थे फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। उसके बाद जो लाहौर हाई कोर्ट बना था उसके कौन थे, यानी कि ये चंडीगढ़ वाली बात हो गई। उसके बाद जो फर्स्ट जब लाहौर का बना था तब कौन थे, उस टाइम थे सर शादी लाल। सर शादी लाल बने थे फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट। उसके बाद जो प्रेजेंट में हैं वो हैं जस्टिस राजीव कुमार। जस्टिस राजीव कुमार हैं प्रेजेंट में चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। याद रखिए ये एक्टिंग है, जब तक न्यू नहीं चुने जाते तब तक इनका समय रहेगा, उसके बाद इनको रिटायर कर दिया जाएगा, उसके बाद बन जाएंगे न्यू, जब तक तब तक ये रहेंगे जस्टिस राजीव कुमार, जब तक नए नहीं चुने जाते चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। ये हैं, याद रखिए राजीव कुमार हैं जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, ये एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं, ये परमानेंट नहीं हैं। जब भी नए इलेक्ट होते हैं या चुने जाते हैं इन्हें हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देख लेते हैं, सर हेनरी मेरेडाइथ प्लोडन वाज द चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब। जब पंजाब हाई कोर्ट बना था, यानी कि 1880 से लेकर 95 की बात हो गई, बहुत पुरानी बात हो गई, तब जो चीफ जस्टिस है उनका नाम था सर हेनरी मेरेडाइथ प्लोडन। इतनी दूर तो नहीं पूछेगा एग्जामिनर, बट आप याद रखिए एग्जामिनर का कुछ नहीं पता चलता क्या पूछ ले, इसलिए आपने याद रखना है सर हेनरी मेरेडाइथ प्लोडन, ये थे फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब 1880 से लेकर 1895 तक। नेक्स्ट है 1947, 15 अगस्त 1947 में एक सेपरेट हाई कोर्ट बना था पंजाब में, जो शिमला में बना था, ये आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन भी हरियाणा एसएससी के एग्ज़ाम में आ चुका है, इन्होंने पूछा था जो सेकेंड हाई कोर्ट बना था लाहौर के बाद, यानी कि उन्होंने पूछा था लाहौर का हाई कोर्ट था वो कहाँ पर शिफ्ट किया गया था, वो किया गया था शिमला में। आपने ये भी याद रखना है कब बना था, 15 अगस्त 1947 को बना था जो शिमला में पंजाब हाई कोर्ट है, उस टाइम पंजाब हाई कोर्ट कहा जाता था, ना कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, उस टाइम पंजाब हाई कोर्ट था ओनली नाम इसका। इस शहर का नाम भी याद रखना है, शिमला में बना था, क्योंकि उस समय पंजाब हरियाणा और जो हिमाचल प्रदेश है तीनों एक ही स्टेट होते थे, यानी कि तीनों के तीनों पंजाब का पार्ट होते थे, इसलिए उस टाइम बनाया गया था शिमला में। उसके बाद आपने याद रखना है चंडीगढ़ में कब आया ये हाई कोर्ट, चंडीगढ़ में आया 17 जनवरी 1955 को आया चंडीगढ़ में, ये क्वेश्चन भी आ चुका है एसएससी के, हरियाणा एसएससी के एग्ज़ाम में, रिसेंटली हरियाणा एसएससी क्लर्क का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है, उसमें ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ये भी आपने याद रखना है। ऑन 17 जनवरी 1955 द कोर्ट वाज मूव्ड टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन इन चंडीगढ़, चंडीगढ़ में आ गया था 1955 में, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 13th नंबर क्वेश्चन, पंचायती राज सिस्टम एडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट। आप सभी को पता ही है पंचायती राज सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में, इसको कौन सा आर्टिकल है, सॉरी कौन सी अमेंडमेंट है जिसमें इसे ऐड किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। पहले इसका कोई जिक्र नहीं था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, बट एक अमेंडमेंट हुई, उसके अमेंडमेंट के बाद
इसका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र होने लगा। आपके ऑप्शन है 71st अमेंडमेंट, 72nd अमेंडमेंट, 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट। आपका समय स्टार्ट होता है अब, जल्दी से अटेम्प्ट कीजिए। आपका समय स्टार्ट हो चुका है, कौन सा आपका सही ऑप्शन होगा? पंचायती राज सिस्टम को ऐड करने के लिए जो हमारी अमेंडमेंट हुई थी वो हुई थी 73rd अमेंडमेंट, 73वीं अमेंडमेंट हुई थी, इसलिए राइट आंसर होएगा सी ऑप्शन 73rd अमेंडमेंट। कब हुई थी ये अमेंडमेंट? हुई थी 1992 में, 1992 में हुई थी 73rd अमेंडमेंट, जिसमें हमने पंचायती राज सिस्टम को इंक्लूड किया था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर पूछा जाए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पंचायती राज सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था, किस कमेटी ने रिकमेंड किया था इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए, यानी कि ऐड करने के लिए, जो ये इसके लिए कमेटी बनी थी वो थी बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी ने रिकमेंड किया था इस पंचायती राज सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने के लिए, ऐड करने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, इसका जो सिस्टम है यानी कि पंचायती राज सिस्टम का जो सिस्टम है वो है थ्री टायर सिस्टम है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में, ये भी आपने याद रखना है। 3 सत्रीय मॉडल बेस्ड पर है पंचायती राज सिस्टम इंडिया का। आई होप आपने ये क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट शेड्यूल हैं और किससे रिलेटेड है, कौन सा शेड्यूल वो देख लेते हैं। फर्स्ट शेड्यूल, ये मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। फर्स्ट शेड्यूल जो रिलेटेड है स्टेट एंड यूटी से रिलेटेड है फर्स्ट शेड्यूल। उसके बाद सेकेंड शेड्यूल आता है, सेकेंड शेड्यूल रिलेटेड है सैलरीज एंड अमोलमेंट्स ऑफ प्रेजिडेंट, गवर्नर, चीफ जजेस एंड ऑडिटर जनरल। सैलरीज एंड अमोलमेंट्स ऑफ प्रेजिडेंट, गवर्नर, चीफ जजेस एंड ऑडिटर जनरल से रिलेटेड है सेकेंड शेड्यूल। नेक्स्ट है थर्ड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल रिलेटेड है फॉर्म्स ऑफ ऑथ एंड अफर्मेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव मिनिस्ट्रीज एंड जजेस। फॉर्म्स ऑफ ऑथ एंड अफर्मेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर मिनिस्ट्रीज एंड जजेस। नेक्स्ट है फोर्थ शेड्यूल। फोर्थ शेड्यूल इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा रिलेटेड है फोर्थ शेड्यूल से। नेक्स्ट है फिफ्थ शेड्यूल। फिफ्थ शेड्यूल रिलेटेड है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल्स ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स से रिलेटेड है फिफ्थ शेड्यूल। नेक्स्ट है सिक्स्थ शेड्यूल। सिक्स्थ शेड्यूल रिलेटेड है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये चार स्टेट हैं जिसके एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड है सिक्स्थ शेड्यूल, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। आपको कह देंगे इनमें से कौन सी स्टेट है जो रिलेटेड नहीं है सिक्स्थ शेड्यूल से, आपको ऑप्शन दे देंगे आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मध्य प्रदेश। उसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। ये चारों स्टेटों के नाम आपने याद रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सेवन्थ शेड्यूल। सेवन्थ शेड्यूल रिलेटेड है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट। यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है पावर की, उससे जो शेड्यूल रिलेटेड है हमारा वो है सेवन्थ शेड्यूल। इसमें आती है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्कुरेंट लिस्ट। जिसमें कॉन्कुरेंट लिस्ट वो होती है जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों इंटरफेयर कर सकते हैं। स्टेट लिस्ट में फैसला स्टेट लिस्ट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट करेगी। यूनियन लिस्ट में फैसला करेगी यूनियन गवर्नमेंट। कॉन्कुरेंट लिस्ट में कोई भी कर सकती है। यानी कि सेवन्थ जो शेड्यूल है वो रिलेटेड है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द स्टेट यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट है एट्थ शेड्यूल, सुपर इंपॉर्टेंट। एट्थ शेड्यूल जो रिलेटेड है वो है लैंग्वेज से। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एट्थ शेड्यूल में कितनी लैंग्वेज हैं जो रजिस्टर्ड हैं, ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। कितनी लैंग्वेज हैं जिसे मान्यता मिली हुई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये आपने कमेंट में बताना है। एट्थ शेड्यूल में है रिलेटेड है लैंग्वेज से। नेक्स्ट है नाइन्थ शेड्यूल। नाइन्थ शेड्यूल रिलेटेड है वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस रिलेटेड है नाइन्थ शेड्यूल से। उसके बाद टेंथ शेड्यूल। टेंथ शेड्यूल आता है एंटी डिफेक्शन लॉ से। एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है टेंथ शेड्यूल। नेक्स्ट है इलेवंथ शेड्यूल। इलेवंथ शेड्यूल रिलेटेड है पंचायती राज से, पंचायत से रिलेटेड है इलेवंथ शेड्यूल। नेक्स्ट है ट्वेल्थ शेड्यूल। ट्वेल्थ बारहवां शेड्यूल है जो वो रिलेटेड है म्यूनसिपैलिटी से, म्यूनसिपैलिटी से। इसकी मैंने आपको अमेंडमेंट बता दी है 73rd, और उसके बाद जो 12th शेड्यूल है ये ऐड हुआ था 74th अमेंडमेंट में, ये भी आपने याद रखना है। 74th अमेंडमेंट थी इसकी, थी 73rd, दोनों आपने याद रखने हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, दोनों ही बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। अगर पूछा जाए 74th जो अमेंडमेंट हुई थी जिसमें म्यूनसिपैलिटी ऐड की गई थी वो किस ईयर में हुई थी, ये हुई थी ऐड 1992 में। यानी कि 1992 में ही पंचायती राज सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में, और 1992 में ही
12th शेड्यूल में जो म्यूनसिपैलिटी है इसको ऐड किया गया था, दोनों के लिए 1992 ईयर है, बट जो अमेंडमेंट है वो सेम नहीं है, डिफरेंट है। 73rd अमेंडमेंट है पंचायती राज के लिए, 74th अमेंडमेंट है म्यूनसिपैलिटी के लिए, दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14th नंबर क्वेश्चन, 14th नंबर क्वेश्चन है, इंडिया बोरो प्रेरोगेटिव रिट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिट्स हैं, 5 रिट हैं, प्रेरोगेटिव रिट्स बोलते हैं उन्हें, ये हमने किस कंट्री से बोरो की हैं। आपके जो ऑप्शन हैं वो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन और यूके कॉन्स्टिट्यूशन। जल्दी से अटैम्प्ट कीजिए, आपका समय स्टार्ट है अब। प्रेरोगेटिव रिट्स हमने कहाँ से बोरो की हैं? प्रेरोगेटिव रिट्स जो हैं 5 शेड्यूल में, सॉरी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये हमने ऐड किए हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लेके, यानी कि हमने बोरो किए हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लेके, बोरो किए हैं हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होएगा ए ऑप्शन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप आप सभी ने ये क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारी की सारी जो फीचर हैं वो मैं आपको ट्रिक के माध्यम से याद करवा दूंगा अगले 5 मिनट में, अगले 5 मिनट में, 5 से 7 मिनट में मैं सारी की सारी जो फीचर हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बोरो की हुई, सारी की सारी ट्रिक के माध्यम से याद करवा दूंगा। बस आपको 2 से 3 बार रिपीट करनी है। सबसे पहले जो देखते हैं जो है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935, वहाँ से हमने क्या क्या बोरो की है। इसलिए आपने याद रखना है सिर्फ यफ गोट पटैटोस, यफ गोट पटैटोस, बस आपने ये 3 वर्ड याद रखने हैं, यफ गोट पटैटोस। मान लीजिए आपने ये 3 वर्ड याद कर लिए, यफ गोट पटैटोस, बस आपके जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बोरो किए हैं फीचर्स, सारे के सारे आपके याद हो गए हैं। वो देखते हैं हम कैसे। यफ से हमारा सबसे पहला आता है जे, जे से हो गया जुडिशियरी, जुडिशियरी हमने कहाँ से बोरो किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। उसके बाद ई, ई से आता है एमरजेंसी प्रोविजंस, ई से एमरजेंसी प्रोविजंस हमने कहाँ से बोरो किए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। नेक्स्ट है ए, ए हमने, ए से बनता है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स हमने कहाँ से लिए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। नेक्स्ट है एफ, एफ से बनता है फेडरल स्कीम, फेडरल स्कीम यानी कि स्टेट और सेंटर, यानी कि दोनों के जो बीच में पावर होती है, डिवाइडेड होती है, उसको बोलते हैं फेडरल स्कीम। फेडरल स्कीम कहाँ से बोरो की है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट आता है वर्ड गोट, जेफ गोट पटैटो, सेकेंड वर्ड आता है गोट, गोट से हमें पकड़ना है गवर्नर्स ऑफिस, गवर्नर्स ऑफिस रिलेटेड करना है हमें गौर से, ये हमने कहाँ से बोरो किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। नेक्स्ट वर्ड आता है पोटैटो, आलू, पोटैटो से हमने याद रखना है पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन, ये आपने 2 से 3 बार लिखने हैं और याद करने हैं। आप देखोगे कि सारे के सारे आपको हमेशा के लिए याद हो चुके हैं, बस आपने ये वर्ड हैं रिपीट करने हैं बार बार, जेफ गोट पटैटोस, ये आपके सारे के सारे फीचर हैं, हमने कहाँ से बोरो किए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बोरो किए हैं, ये आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट जो फीचर हमने बोरो किए हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए हैं, वो उसके लिए जो फार्मूला है, ट्रिक है, वो है C2P2L2 वेस्ट बंगाल, C2P2L2 वेस्ट बंगाल, C2P2L2 वेस्ट बंगाल, कहाँ से बोरो किए हैं, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके लिए ये ट्रिक अप्लाई होती है, वो देखते हैं। C2 से क्या बनता है हमारा, वो बनता है कैबिनेट सिस्टम, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम और सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से बोरो की हैं, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट है P2 से बनता है हमारा पार्लियामेंट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट प्रिविलेजेस, पार्लियामेंट गवर्नमेंट और पार्लियामेंट प्रिविलेजेस कहाँ से बोरो की हैं, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट है L2 से बनेगा हमारा लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स और रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स और रूल ऑफ लॉ कहाँ से बोरो की हैं, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो की हैं लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स एंड रूल ऑफ लॉ। नेक्स्ट है वेस्ट, वेस्ट से क्या बनेगा, प्रेरोगेटिव रिट्स, जो मैंने आपको एक ऊपर क्वेश्चन करवाया है, आई थिंक 14th नंबर क्वेश्चन है, 14th नंबर क्वेश्चन करवाया है वो वाला, कहाँ से बोरो किए हैं हमने, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। जैसे आप याद रखोगे वेस्ट, वेस्ट से क्या बनेगा हमारा, वेस्ट से बनेगा रिट्स, प्रेरोगेटिव रिट्स बनेगा हमारा वेस्ट से। नेक्स्ट आता है बंगाल, लास्ट में है वर्ड बंगाल, बंगाल से हमें याद रखना है बाई कैमरलिज्म, बाई कैमरलिज्म, ये सारी की सारी फीचर कहाँ से बोरो किए हैं, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ये सारी की सारी फीचर याद रखनी है हमें, C2P2L2 वेस्ट बंगाल, बस आपने ये फार्मूला याद रखना है, ये ट्रिक याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए USA कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके लिए जो फार्मूला है वो है A3 5P, ये आपने फार्मूला याद रखना है। आप देखोगे एक बारी फार्मूला याद करके सारे के सारे आपको फीचर्स हमेशा के लिए याद हो चुके हैं। फर्स्ट है J3,
J3 से हमें बनता है जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशियरी, जुडिशियरी इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशियरी एंड रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, रिमूव ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, ये सारी की सारी फीचर कहाँ से बोरो की हैं? अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशियरी एंड रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, बस आपने याद रखना है J3 5P, J3 5P। नेक्स्ट है 5F, 5 का वर्ड सॉरी लेटर आता है पहला एफ, एफ से बनेगा हमारा फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स सुपर इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुके हैं, फंडामेंटल राइट्स हमने बोरो की हैं यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट है आई, आई से बनेगा हमारा इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेजिडेंट, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेजिडेंट हमारा बनेगा जो बनेगा यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से, और बनेगा आई से, आई से बनेगा हमारा इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेजिडेंट। नेक्स्ट है वी, नेक्स्ट जो लेटर है हमारा वो है वी, वी से हमारा क्या बनेगा वाइस प्रेजिडेंट, वाइस प्रेजिडेंट किससे बनेगा वी से बनेगा। नेक्स्ट है पी, पी से बनेगा हमारा प्रैम्बल, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रैम्बल है वो कहाँ से बोरो किया है हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट है इरिश कॉन्स्टिट्यूशन, इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने तीन वर्ड याद रखने हैं, प्लीज़ डोंट रिपीट, प्लीज़ डोंट रिपीट, तीन से चार बार रिपीट करना है, प्लीज़ डोंट रिपीट, प्लीज़ डोंट रिपीट, प्लीज़ डोंट रिपीट, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। प्लीज़ से हमारा क्या बनेगा, प्लीज़ से हमारा बनेगा मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेजिडेंट, मेथड ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेजिडेंट हमने कहाँ से बोरो किया है इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। इरिश को आप समझ सकते हो आयरलैंड, आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन भी कभी बारी गिवन होता है ऑप्शन में, आयरलैंड का ही कॉन्स्टिट्यूशन है इरिश कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। नेक्स्ट है डोंट रिपीट का डी, डी का डी से हमारा बनेगा DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये पूछा गया था हरियाणा SSC के एग्ज़ाम में, उसमें पूछा था DPSP हमने कहाँ से बोरो किए हैं, ये हमने बोरो किए हैं इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से या फिर आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट आता है रिपीट का पहला लेटर आर, आर से बनेगा नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, ये सारे के सारे हमने कहाँ से बोरो किए हैं आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन है यू, इसे हमने फार्मूला याद रखना है गैस RJFM, गैस RJFM, गैस से क्या बनेगा हमारा, गैस से हमारा बनेगा अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, ये कहाँ से बोरो किए हैं कैनेडियन के कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट आता है लेटर हमारा आर, आर से हमने याद रखना है वेस्टिंग ऑफ रेजिड्यूरी पावर्स इन द सेंटर, वेस्टिंग ऑफ द रेजिड्यूरी पावर्स इन द सेंटर। उसके बाद नेक्स्ट लेटर आता है जे, जे से क्या बनेगा एडवाइजरी जरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एडवाइजरी जरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट आता है एफ, एफ से बनेगा हमारा फेडरेशन विद द स्ट्रॉन्ग सेंटर, फेडरेशन विद द स्ट्रॉन्ग सेंटर हमारा कहाँ से बनेगा एफ से। आपने बस ये फार्मूला याद रखना है जो ये हमने बनाया है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, गैस RJFM, गैस RJFM, बस आपने बार बार इसे रिपीट करना है और आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। वैसे तो सारी की सारी फीचर्स याद करनी लगभग इम्पॉसिबल हैं, क्योंकि इतनी सारी फीचर्स हैं याद करनी बहुत कठिन काम है, बट आप इन तरकीब को अपनाइए आपको 100% सारी की सारी जो फीचर्स हैं हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आपको ट्रिक याद रखनी है ट्रेन्स जॉइंट सीट नंबर इज़ C2, ट्रेन्स जॉइंट सीट नंबर इज़ C2, ट्रेन का हमने लेना है टी, टी से क्या बनेगा फ्रीडम ऑफ ट्रेड, यानी कि ट्रेड करने की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ ट्रेड कहाँ से बोरो किया है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट है जॉइंट सीट, जॉइंट सीट से बनेगा हमारा जॉइंट सीटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, जॉइंट सीटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट कहाँ से बनेगा जॉइंट से। नेक्स्ट है सी टू जॉइंट सीट से बनेगा, सॉरी जॉइंट सीट से बनेगा जॉइंट सीटिंग ऑफ द टू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। नेक्स्ट है सी टू बनेगा हमारा, बनाएगा हमारे दो वर्ड कंकरेंट लिस्ट और कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स और कॉन्करेंट लिस्ट हमने कहाँ से बोरो किए हैं ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखिए, सारे के सारे आपको याद हो चुके होंगे। नेक्स्ट है विमर कॉन्स्टिट्यूशन, चाहे पूछा जाए विमर कॉन्स्टिट्यूशन चाहे पूछा जाए जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन, बात एक ही है, यानी कि जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन को ही हम बोलते हैं विमर कॉन्स्टिट्यूशन। इसके लिए आपको एक वर्ड याद रखना है, बस ओनली एक वर्ड, फ्रेश, फ्रेश वर्ड याद रखना है, फ्रेश के हमने दो लेटर लेने हैं, पहले FR से बनेगा हमारा सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग एमरजेंसी, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग एमरजेंसी कहाँ से बोरो किए हैं विमर कॉन्स्टिट्यूशन से या फिर जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट आता है सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रशिया, चाहे सोवियत गिवन हो चाहे गिवन हो रशिया, बात एक ही है, यानी कि पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन था रशिया का उसे हम बोलते थे सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि पुराना नाम था रशिया का सोवियत यूनियन, इसलिए हम बोलते हैं सोवियत यूनियन भी बोलते हैं और रशियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हैं इसे।
इसके लिए जो फार्मूला है, ट्रिक है, वो है जस्ट फिक्स्ड डिपॉजिट, जस्ट फिक्स्ड डिपॉजिट। इसके लिए जो आपने याद रखना है, जस्ट से जस्टिस, जस्ट से आपने याद रखना है जस्टिस, उसके बाद एफडी है जो हमारा, ये आपने याद रखना है। फिक्स्ड डिपॉजिट आपको पता ही है एक बैंक की टर्म होती है एफडी, एफडी टर्म होती है एक बैंक में, उसे आप याद रखना है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड फाइव ईयर प्लान्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड फाइव ईयर प्लान्स कहाँ से बोरो किए हैं, सोवियत यूनियन या फिर रशिया से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। नेक्स्ट आता है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि फ्रांस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से हमने क्या बोरो किया है, इसलिए आपने वर्ड याद रखना है रिपब्लिक एफएल, रिपब्लिक फैल, रिपब्लिक फैल आपने याद रखना है। सबसे पहले तो रिपब्लिक, रिपब्लिक से हमारा बनेगा कंसेप्ट ऑफ रिपब्लिक, कंसेप्ट ऑफ रिपब्लिक बनेगा रिपब्लिक से। नेक्स्ट है फैल, फैल से सबसे पहला लेटर है एफ, एफ से बनेगा हमारा फैटर्निटी, उसके बाद ई है, ई लेटर है एक, ई से बनेगा हमारा इक्वलिटी, उसके बाद एल, फैल का लास्ट है लेटर एल, एल से बनेगा लिबर्टी, यानी कि फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी और लिबर्टी कहाँ से बोरो किए हैं, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट देख लेते हैं साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो हमारी ट्रिक है वो है अमेंडा अलेक्ट्स रोज, अमेंडा अलेक्ट्स रोज, अमेंडा से बनेगा हमारा अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमने कहाँ से बोरो किए हैं, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से, सुपर इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखिए। नेक्स्ट है इलेक्ट्स रोज, इलेक्ट्स रोज, इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, ये कहाँ से बोरो किए हैं, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से, इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा कहाँ से बोरो किए हैं, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट है जैपनीज कॉन्स्टिट्यूशन, जैपनीज के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने एक वर्ड याद रखना है लॉ, दैट्स इट, एक वर्ड याद रखना है लॉ, बस आपने एक वर्ड से ज़्यादा कुछ याद हो जाएगा, जापान की जितने भी फीचर हैं एक ही फीचर है हमने यहाँ बोरो की है जापान से, वो है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ हमने कहाँ से बोरो किए हैं, जापान कॉन्स्टिट्यूशन से, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट है यूके का कॉन्स्टिट्यूशन, यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या बोरो की है, इसके लिए आपने दो तीन लेटर याद रखने हैं एस पी ई, एस पी ई, एस पी ई, कोई भी आप ट्रिक बना सकते हो, जैसे एस पी, एस पी एक होता है पुलिस डिपार्टमेंट में एक एस पी होता है, वैसे आप याद रख सकते हो। एस से बनेगा हमारा स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा कहाँ से बोरो की है, यूके कॉन्स्टिट्यूशन से। उसके बाद पार्लियामेंट्री इलेक्शन, पार्लियामेंट्री इलेक्शन पी से। नेक्स्ट है इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन कहाँ से बोरो किए हैं, ये तीनों फीचर हमने बोरो किए हैं यूके कॉन्स्टिट्यूशन से, ये आपने तीन से बार चार बार रिपीट करनी है, ये आपको सारी की सारी फीचर तीन से चार बार रिपीट करने के बाद ही याद होंगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 15th नंबर क्वेश्चन, हु हैज़ वन द US ओपन 2019 इन मेंस कैटेगरी, मेंस कैटेगरी में US ओपन है, किसने जीता है, आपके ऑप्शन है रफाल नडाल, डैनी मेडवेदेव, रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच, आपके ऑप्शन है ये चारों, जल्दी से अटैम्प्ट कीजिए, आपका समय स्टार्ट है अब, US ओपन मेंस कैटेगरी में किसने जीता है, आपका समय स्टार्ट हो चुका है। मेंस कैटेगरी में जो US ओपन जीता है वो जीता है रफाल नडाल ने, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ए ऑप्शन, रफाल नडाल ने जीता है US ओपन 2019 मेंस कैटेगरी में। किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं रफाल नडाल, इनकी जो कंट्री है वो है स्पेन, स्पेन से बिलोंग करते हैं रफाल नडाल, ये आपने याद रखना है, कई बार खिलाड़ी की कंट्री पूछ ली जाती है, स्पेन से बिलोंग करते हैं रफाल नडाल, US ओपन जीता है 2019 में इस बार। उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है हमारा डी ऑप्शन, नोवाक जोकोविच, इसने क्या जीता है इस बार, इसने जीता है, एक तो जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस कैटेगरी में, एक जीता है विंबलडन, दो टूर्नामेंट जीते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट होता है वो होता है विंबलडन, विंबलडन किसने जीता है, नोवाक जोकोविच ने, दो टूर्नामेंट जीते हैं नोवाक जोकोविच में ने सॉरी ने जीते हैं। उसके बाद यूएस ओपन ने जीते हैं ए ऑप्शन रफाल नडाल ने, एक बच्चा है, यानी कि चार होते हैं हर साल ग्रैंड स्लैम होते हैं, जो एक जो होता है वो है लास्ट फ्रेंच ओपन, फ्रेंच ओपन को भी किसने जीता है, रफाल नडाल ने, यानी कि दो टूर्नामेंट जीते हैं रफाल नडाल ने, एक तो है US ओपन, एक है फ्रेंच ओपन, फ्रेंच ओपन और US ओपन एक है, दोनों जीते हैं रफाल नडाल ने, और जो दो बचते हैं विंबलडन और ऑस्ट्रेलियन ओपन, दोनों किसने जीते हैं, नोवाक जोकोविच ने, नोवाक जोकोविच ने, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं नोवाक जोकोविच, ये इनकी कंट्री है सर्बिया, सर्बिया कंट्री से बिलोंग करते हैं नोवाक जोकोविच, ये भी आपने याद रखना है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। एक ना एक क्वेश्चन अगर करंट अफेयर से क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आप जरूर देखेंगे इस ग्रैंड स्लैम से।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन, 16th नंबर क्वेश्चन, हु हैज़ वन द हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप 2019। हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप 2019 की किसने जीती है? आपके जो ऑप्शन है वो हैं किमे रेकनन, चार्ल्स लेक्लर्क, लेविस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टैपन। आपके ऑप्शन ये चार हैं, आपने अटैम्प्ट करना है। आपका समय स्टार्ट है अब। हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप 2019 की जीती है लेविस हैमिल्टन ने। लेविस हैमिल्टन ने जीती है 2019 की हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा सी ऑप्शन, लेविस हैमिल्टन। अगर पूछा जाए लेविस हैमिल्टन कौन सी कार चलाते हैं, यानी कि कौन सी गाड़ी चलाते हैं, कौन सी गाड़ी के ड्राइवर हैं, ये हैं मर्सिडी के ड्राइवर, यानी कि ये कार कौन सी चलाते हैं, मर्सिडी, यहाँ पर लिख भी दिया है मैंने, मर्सिडी के ड्राइवर हैं लेविस हैमिल्टन। ये सबसे ज़्यादा जो रेस होती है, सबसे ज़्यादा कौन जीते हैं, लेविस हैमिल्टन 2018 में ये वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं रेस के, ये भी आपने याद रखने हैं। अगर पूछा जाए ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये एक ब्रिटिश हैं, यानी कि इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं लेविस हैमिल्टन, ये भी आपने याद रखना है, ब्रिटिश हैं, इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं लेविस हैमिल्टन। आई होप आपने ये क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17th नंबर क्वेश्चन, व्हेन वाज द हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम लॉन्च्ड इन इंडिया, HYVP, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था इंडिया में? आपके जो ऑप्शन हैं वो हैं ये चार, 1969-70, 1964-65, 1966-67, उसके बाद लास्ट है 1967-68। आपके ये चार ऑप्शन हैं, जल्दी से अटैम्प्ट कीजिए। आपका समय शार्ता है अब। हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम लॉन्च किया गया था 1966-67 में, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा सी ऑप्शन, 1966-67 में लॉन्च किया गया था हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम HYVP। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 का क्वेश्चन है ये, LDC के एग्जाम में 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैंने इसे इंक्लूड किया है इस वीडियो में। आपने बिल्कुल याद रखना है, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम लॉन्च किया गया था 1966-67 के प्लान में, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा सी ऑप्शन, 1966-67। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा है हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया वन एट द 2018 एशियन गेम्स। एशियन गेम्स कहाँ पर हुए हैं, सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए, इस बार जो एशियन गेम्स हुई हैं वो हुई हैं इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया ने होस्ट की हैं। इंडोनेशिया के दो सिटी हैं जिसका नाम है जकार्ता और पैलेमबैंग। इंडोनेशिया की एक तो कैपिटल ही है जकार्ता, एक और सिटी है पैलेमबैंग, दोनों सिटी ने होस्ट की हैं 2018 के जो एशियन गेम्स हुए थे। इन्होंने पूछा है कितने मेडल जीते हैं इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं, और आपके ऑप्शन है 69, 59, 81 और 87। जल्दी से अटैम्प्ट कीजिए, आपका समय स्टार्ट है अब। इंडिया ने टोटल मेडल जीते हैं इस एशियन गेम्स में 69, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ए ऑप्शन 69। अगर पूछा जाए इंडिया ने गोल्ड कितने जीते हैं, इंडिया ने गोल्ड जीते हैं इसमें 15 गोल्ड, उसके बाद 24 सिल्वर, 24 सिल्वर, उसके बाद 30 ब्रॉन्ज। ये भी आपने सीक्वेंस में याद रखना है, 15, 24 और 30, ये सारे के सारे मेडल जीते हैं इंडिया ने, 15 गोल्ड, 24 सिल्वर और 30 ब्रॉन्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है 2018 के एशियन गेम्स में इंडिया ने गोल्ड मेडल कितने जीते हैं, इंडिया ने टोटल गोल्ड मेडल जीते हैं 15, 15, ये भी पूछा जा सकता है, याद रखिए। उसके बाद अगर पूछा जाए ये जो 2018 में एडिशन हुआ है एशियन गेम्स का, ये कौन सा एडिशन था, ये एडिशन था 18वां, यानी कि 18th एडिशन था जो 2018 में हुआ है इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता और पैलेमबैंग में। इसके बाद 19वां एडिशन कहाँ होगा, 19वां एडिशन जो 19th एडिशन होगा वो होगा हंगजू चाइना में, एक सिटी है चाइना में, एक सिटी है हंगजू, वहाँ पर होगा जो 19वां एडिशन होगा एशियन गेम्स का, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन, तबाबी देवी रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स। तबाबी देवी किस गेम से रिलेटेड हैं, आपके ऑप्शन है जूडो, शूटिंग, रेसलिंग और वेट लिफ्टिंग। जल्दी से अटैम्प्ट कीजिए, आपका समय स्टार्ट है अब। तबाबी देवी की जो गेम है वो है जूडो, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ए ऑप्शन, जूडो। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, इसका कारण है इसने फर्स्ट एवर जूडो में इंडिया के लिए मेडल जीता है जो समर यूथ ओलंपिक्स हुए थे रिसेंटली 2018 में लास्ट टाइम जो समर यूथ ओलंपिक्स हुए थे उसमें इंडिया के लिए इन्होंने एक मेडल जीता था जूडो में, जो कि फर्स्ट एवर मेडल था इंडिया के लिए, इसलिए ये क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट बनता है। तबाबी देवी रिलेटेड हैं जूडो से,
जूडो के लिए इन्होंने मेडल जीता था, ये आपने बिल्कुल याद रखना है। तबाबी देवी किससे रिलेटेड हैं? जूडो से। नेक्स्ट देखना है लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट प्रोडक्ट टू रिसीव जीआई टैग? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग 2004 में फर्स्ट प्रोडक्ट कौन सा बना था जिसे मिला था? आपके ऑप्शन है सिलाव खाजा, दार्जिलिंग टी, अरुण मुल्ला कन्नड़ी, उसके बाद लास्ट है फोर्थ ऑप्शन मधुबनी पेंटिंग्स। जल्दी से अटैम्प्ट कीजिए, आपका समय स्टार्ट है अब। फर्स्ट जो प्रोडक्ट था 2004 में जीआई टैग रिसीव करने वाला वो था दार्जिलिंग टी, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा बी ऑप्शन दार्जिलिंग टी। इसे मिला था फर्स्ट जीआई टैग, कब मिला था? 2004 में। ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ये दार्जिलिंग टी किस स्टेट की है, यानी कि किस सॉरी राज्य की है, किस राज्य की है जिसको ये जीआई टैग मिला था 2004 में? ये फर्स्ट एवर जीआई टैग था जिसे मिला था, ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। आई होप आप सभी इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अटेम्प्ट करोगे। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट फंडामेंटल एसआई यूनिट हैं, वैसे तो मैंने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताई थी सारी की सारी, बट मैं आपको रिवाइज़ करा देना चाहता हूँ। एक साथ एक साइड है बेस क्वांटिटी, एक साइड है उसकी यूनिट। फर्स्ट जो है वो है लेंथ, ये तो पता है सभी को, मीटर। मास की है, मास की भी पता है किलोग्राम। उसके बाद टाइम, टाइम की जो है वो है सेकेंड, ये सभी को पता होगा। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, ये आपने याद रखनी है, एम्पियर है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर की जो है वो है केल्विन, केल्विन, ये इंपॉर्टेंट है सारी की सारी, एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एसआई यूनिट से। नेक्स्ट देखना है हमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, मोल है एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। नेक्स्ट है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जो एसआई यूनिट है वो है कैंडेला, कैंडेला। उसके बाद एरिया, एरिया की जो है वो है स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर है एसआई यूनिट एरिया की। नेक्स्ट है वॉल्यूम, क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट है स्पीड वेलोसिटी, स्पीड वेलोसिटी की जो एसआई यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड है स्पीड वेलोसिटी की। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की जो एसआई यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट आता है वेव नंबर, वेव नंबर की जो एसआई यूनिट है वो है रेसिप्रोकल मीटर, रेसिप्रोकल मीटर। नेक्स्ट है सुपर इंपॉर्टेंट प्लेन, प्लेन की जो एसआई यूनिट है वो है रेडियन, रेडियन एसआई यूनिट किसकी है? प्लेन की। नेक्स्ट है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल की जो एसआई यूनिट है वो है स्टी रेडियन, स्टी रेडियन, स्टी रेडियन एसआई यूनिट किसकी है? सॉलिड एंगल की। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की जो एसआई यूनिट है वो है हर्ट्ज, हर्ट्ज एसआई यूनिट है फ्रीक्वेंसी की, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फोर्स, फोर्स की जो एसआई यूनिट है वो है न्यूटन, न्यूटन। उसके बाद प्रेशर और स्ट्रेस, प्रेशर और स्ट्रेस की जो एसआई यूनिट है वो है पास्कल, पास्कल एसआई यूनिट है प्रेशर और स्ट्रेस की। नेक्स्ट है एनर्जी, वर्क और क्वांटिटी ऑफ हीट, क्वांटिटी ऑफ हीट वर्क और एनर्जी की, इन तीनों की यूनिट है जाउल, जाउल। पावर, रेडिएंट फ्लक्स, पावर और रेडिएंट फ्लक्स की जो एसआई यूनिट है वो है वाट, वाट एसआई यूनिट है पावर रेडिएंट फ्लक्स की। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक चार्ज, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज और क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की है कॉलम्ब, कॉलम्ब। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसकी है वोल्ट, वोल्ट। नेक्स्ट है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस की जो एसआई यूनिट है वो है फर्द, कैपेसिटेंस की जो एसआई यूनिट है वो है फर्द। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट है वो है ओम, ओम किसकी है? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस दी, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस की जो एसआई यूनिट है वो है सीमेंस, सीमेंस एसआई यूनिट है इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस की। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स की जो एसआई यूनिट है वो है वीवर, वीवर एसआई यूनिट है मैग्नेटिक फ्लक्स की। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की जो एसआई यूनिट है वो है तेसला, तेसला एसआई यूनिट है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की। नेक्स्ट है इंडक्टेंस की, इंडक्टेंस की जो एसआई यूनिट है वो है हेनरी, हेनरी एसआई यूनिट है इंडक्टेंस की। उसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आपको पता ही है हर वीडियो में, इसमें मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल बिलोंग्स टू द डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स स्टेट पॉलिसी से कौन सा आर्टिकल बिलोंग करता है, रिलेटेड है डीपीएसपी से। आपके जो ऑप्शन है वो है आर्टिकल 36-51, आर्टिकल 12-35, आर्टिकल 5-12, आर्टिकल 51-78। इसको अटैम्प्ट करना है आपको कमेंट बॉक्स में, ये मेनली उनके लिए होता है जो इसे लाइव के बाद अटैम्प्ट करते हैं। इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। सारे के सारे क्वेश्चन आपने अच्छे से देखे होंगे, आई होप
सारे के सारे क्वेश्चन देखने के बाद आपको पता चल ही गया होगा कि क्वेश्चन की क्वालिटी अच्छी होती है और क्वेश्चन कच्ची क्वालिटी के ही आएंगे एग्ज़ाम में। अगर बेसिक लेवल के मैं आपके लिए क्वेश्चन लाऊंगा, उस लेवल के आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे नहीं, तो उसका क्या फ़ायदा। इसलिए ही मेरा मोटिव रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइव सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स ज्वाइन करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें इस चैनल को, वाईफाई एजुकेशन को, क्योंकि ये सारा मटेरियल आपके लिए ही तैयार किया गया है और आपके लिए ही प्रोवाइड किया गया है। आप YouTube का कोई भी चैनल उठा के देख लो, इस लाइव का जो क्वेश्चन होता है, इस लाइव में जो क्वेश्चन होते हैं, उस लेवल के क्वेश्चन कोई भी चैनल करवा नहीं रहा है, क्योंकि इतने सारे लेवल के क्वेश्चन अटैम्प्ट करवाने के लिए सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, तो ही हम इस लेवल के क्वेश्चन स्टूडेंट्स को करवा सकते हैं। इसलिए मेरा मोटिव है कि सारे के सारे स्टूडेंट जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी एक एक ग्रुप में इसे ज़रूर शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आप मुझसे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी जुड़ सकते हो, दोनों का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से डायरेक्ट आप विज़िट कर सकते हो। हमारा जो चैनल का नाम है वाईफाई एजुकेशन, इसी नाम पर हमने एक जो पेज है फेसबुक पर वो स्टार्ट किया है, वाईफाई एजुकेशन के नाम पे, वाईफाई एजुकेशन के नाम पे पेज स्टार्ट किया है। आप उसे ज़रूर लाइक करें, क्योंकि आपके लाइक से ही सपोर्ट मिलेगा हमें। इसका लिंक भी और इंस्टाग्राम का भी, दोनों का ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप इन्हें ज़रूर ज्वाइन करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आप कोई इस वीडियो में चेंजेस करवाना चाहते हो, या कोई कन्फ्यूज़न है, या कोई इंक्वायरी है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपका 100% उसका सोल्यूशन बताऊँगा और सॉल्व करूँगा आपकी प्रॉब्लम जो भी होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप सपोर्टिंग वाईफाई एजुकेशन।